शेखर सुमन ने तेजस्वी यादव के साथ बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या बिहार के सीएम से जब वो गुहार लगाने गए थे तो क्या बिहार के सीएम मिले? मुझे लगता है कि अब इस मुद्दे पर जो है बिहार की राजनीति की जा रही है। जी हाँ, कैसे, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। शेखर सुमन ने बिहार में जाकर नीतीश कुमार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उनका ये कहना है कि मैं जाने से पहले उनको बोल के गया था कि मुझे क्यों आना है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान कर दिया था। कल वो वहां गए, वहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चंचल, उन्होंने बोला कि अभी कोविड के चलते वो किसी से मिलना नहीं चाहते, इसलिए वो नहीं मिलेंगे। अब जो है शेखर सुमन ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि क्या नीतीश कुमार के पास 5 मिनट का भी समय नहीं था सुशांत सिंह के घर जाने का? तेजस्वी यादव जो है अपोजिशन के लीडर हैं और एक्स डेप्यूटी चीफ सीएम रह चुके हैं बिहार के। ऐसे में शेखर सुमन पहले जाकर मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री से, हालांकि मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन अब शेखर सुमन ने इस बात की आवाज़ उठाई है कि क्या नीतीश कुमार के पास इतना भी समय नहीं था कि वो बिहार के जो सुपुत्र हैं, जिन्होंने बिहार का इतना नाम रोशन किया, जिनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है आवाज़ हर जगह से उठ रही हैं कि वो सुशांत के घर जाते और शोक व्यक्त करते। उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर नीतीश कुमार आप क्यों नहीं गए मिलने? तो जाहिर सी बात है कि जहां हर कोई जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, बहुत सारे बीजेपी सांसद गए हैं, अभिनेता गए हैं, यहां से नाना पाटेकर गए हैं और अब शेखर सुमन भी गए हैं, तो क्या बिहार सीएम को नहीं जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं कि वाकई में बिहार का एक ऐसा पुत्र जो बिहार से बाहर आता है, इतना बड़ा नाम बनाता है और उसको लेकर सीबीआई जांच को लेकर, उसको न्याय दिलाने को लेकर हर जगह से आवाज़ उठ रही है, ऐसे में क्या बिहार के सीएम का उनके घर जाना बनता था या नहीं? जब ओपोजिशन लीडर, उन पार्टी के लीडर जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है, मुंबई से लोग पहुंच सकते हैं, दिल्ली से पहुंच सकते हैं, तो क्या बिहार में बैठकर बिहार के सीएम को जाना चाहिए था या नहीं? आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।